पचम्बा स्थित गोपाल गोशाला परिसर में शनिवार शाम 7 बजे 127वां गोपाष्टमी मेले का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि सह उद्घाटनकर्ता उद्योगपति सुरेश जालान, अमरजीत सिंह सलूजा, प्रदीप अग्रवाल, गोपाल गोशाला के कार्यकारी अध्यक्ष सरवन केडिया आदि ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। सबसे पहले सभी अतिथियों का स्वागत समिति के सदस्यों द्वारा किया गया। अतिथियों ने कहा कि पचम्बा गोपाल गोशाला का इतिहास पुराना है, कहीं न कहीं गिरिडीह की पहचान इस मेले से है। मेले में कई तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में गायों के महत्व, जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण आदि की भी जानकारी दी जाएगी। इस दौरान मुकेश साहू, प्रदीप अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, सतीश केडिया समेत मेला समिति के कई लोग मौजूद थे। कोई भी काम सिद्ध होता है, कोई भी आदमी अकेला किसी कार्य को नहीं कर सकता है। आज आप 22 साल पहले हमारे पूर्वजों ने सब सोचा था और आज ये अपने चरम सीमा पर है और ये दिन ब दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है ये मेला, और ये गाय की सेवा दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज हमारे गौशाला के अंदर में इन्होंने बताया 800 गाय हैं, लेकिन मुझे परफेक्ट फिगर अभी पता लगा है कि एक्चुअल में यहाँ पर 882 गाय हैं। 882 गाय की सेवा अभी पढ़ा प्रदीप जी ने कि एक गाय की सेवा करना कितना मुश्किल है, लेकिन 882 गाय की सेवा आज इस गौशाले में हो रही है। और इस गौशाला के अंदर में मैं बड़े सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ और मैं फख्र करता हूँ उस बात का कि आज ये गौशाला हमारे पूरे बिहार झारखंड में सबसे टॉप के ऊपर में ये चल रहा है आज के दिन ये गौशाला। इसके अंदर में सभी मैनेजमेंट जो कमेटी है ये उसके ऊपर में समूचा जाता है, क्योंकि देखिए एकदम शांति प्रिय ढंग से समूचा हो जाता है। इतनी भीड़ को संभालना, आपको मालूम होना चाहिए कि जिस समय संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है, आमतौर पर मैंने देखा है, अभी बताया हमारे केडिया जी ने कि 50,000 आदमी के एवरेज में रोज यहाँ पर लोग आते हैं। मैं कहता हूँ जिस दिन छुट्टी का दिन होता है उस दिन 1,00,000 आदमी की यहाँ पर भीड़ हो जाती है, उसके बावजूद भी यहाँ पर एक तिनका आगे पीछे नहीं होता है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हमारे गिरिडीह समाज के लिए भी बहुत गौरव की बात है। आज जितने भी प्रेमियों ने इसके ऊपर में मेहनत की है, ये मेहनत एक दिन की नहीं है। कोई भी किसान जब एक पौधा लगाता है उसको फलने फूलने में भी 4, 5, 7, 10 साल का समय लगता है, तब आप उसका फल खाते हैं। आज ये पौधा भी जो है ये तो बहुत बृहद पैमाने का पौधा है। आज 127 साल पहले किसने लगाया था और आज हमारे पूर्वजों का लगाया हुआ, जिसको आज हम लोग उसको भोग रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से उसका संचालन भी कर रहे हैं। आज की वो लेते आश्रय देते हैं, लेकिन खाली आश्रय लेने से उनका भरण पोषण करना पड़ता है। तो इसका कितने लोगों के सहयोग से ये चल रहा है, इसका हम लोग को भी नहीं पता कहाँ से पैसा आता है। हमेशा लगता कल क्या होगा, कैसे चलेगा, लेकिन ये गौ माता की कृपा है। कितने भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं इस कार्य में, ये सबके माता के ऊपर कृपा, तब वो सहयोग कर रहे हैं, वो सेवा दे रहे हैं। कोई अपने ताकत से नहीं कर सकता, अपने ताकत से अपना परिवार चलाता है, लेकिन गौ माता की 800 गौ माता की सेवा करना मामूली बात नहीं है। एक घर में आप गाय रखते हैं, उसको कैसे मालूम कल बीमार हो जाएगी, कैसे सेवा होगी। और यहाँ 800 गायों की सेवा करना, मेडिकल व्यवस्था, एम्बुलेंस व्यवस्था, सभी चीज, सभी शहर के दान वीरों और आप लोग के सहयोग से ये चल रहा है। बस इसी तरह आप लोग इस मेला में, जैसे अभी सतीश जी ने बताया, इसको शांतिपूर्वक देखिए, संभालिए, ये समझिए आपकी धरोहर है। आपको जितना इसको संभाल के रखेंगे, 127वां के बाद 128वां भी आएगा, तो हम लोग को सबको मिलकर इसको संभालना है, धरोहर को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है। इसी से मैं, इसी वाणी से मैं आप लोग का बहुत बहुत